हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अपना टॉक्स। और जैसे आप लोग जानते हैं कि सिंगापुर स्टडी वीज़ा के लिए मेरी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी अपडेटेड हैं, आपने देखी भी हैं। सिंगापुर में अगर कोई होटल मैनेजमेंट करना चाहता है तो सबसे पहले लिसनिंग में हमारी वीडियोज़ आती हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। आज आपके साथ एक और सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ, जो कि मिस्टर सौरभ कुमार आनंदपुर साहब से आए थे, रोपड़ से। इनका वीज़ा हमारे पास आ चुका है और विद इन वन मंथ इनका वीज़ा अप्रूव हो गया था जब ये हमारे पास आए थे। उसके बाद आइए जानते हैं टेस्टोमोनियल में कि कैसे लगा मिस्टर सौरभ कुमार को हमारे कंपनी के बारे में, जो उनके रिव्यूज़ हैं, जो सर्विसेज हैं, उनको कैसी लगी हैं। तो सौरभ जी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका वीज़ा ग्रांट हो चुका है। आप ये बताइए जो व्यूअर्स हैं उनको कि क्या आपसे कोई एडवांस में पेमेंट तो चार्ज नहीं की गई? नहीं सर, पहले कोई एडवांस में पेमेंट चार्ज नहीं हुई है। कोई आपसे फंड्स के लिए कोई पैसा मांगा गया हो? नहीं सर, कोई फंड्स के लिए पैसा नहीं मांगा गया। फंड्स आपके शो किए हैं कंपनी ने? जी आपने किया है सर। और इसके अलावा एक्सपीरियंस वगैरह भी आपका इसमें आई थिंक लगा हुआ है, आपने देखा होगा? जी सर। कितने टाइम का एक्सपीरियंस है, कितना गैप है आपका? मेरा 7 साल का गैप है। 7 ईयर्स का गैप है इनका स्टडी का, उसके बाद इनका वीज़ा सिंगापुर का ग्रांट होकर हमारे पास आ चुका है। इसके अलावा जो और कंसर्न्स रहते हैं पर्सन के, कि आप, कई लोगों ने जैसे मेरे को बोला है कि सर आप वीडियो में बता देते हैं कि आप एडवांस में कोई पेमेंट नहीं ले रहे हैं, सारे पैसे वीज़ा के बाद हैं, तो अभी जैसे आपके साथ भी सेम यही चीज़ हुई, आपने मेरे को पूछा सर के वीज़ा तो आया नहीं, आप कॉन्ट्रैक्ट आपने प्रोवाइड किया है। जी सर। तो अभी आपके पास वीज़ा आ चुका है? जी सर। कोई तंगी तो नहीं आई उसमें? नहीं सर, कोई। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या था, आपका वीज़ा ही था उस टाइम? 100% वीज़ा ही था। बहुत सारे लोगों को ये डिस्टर्बेंस होती है कि सर आपने वीज़ा बोला था लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं वीज़ा आने से पहले। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वही आपका वीज़ा होता है, बिकॉज ऑफ, अगर आपका वीज़ा ग्रांट नहीं हुआ होगा तो आपका फिर कॉन्ट्रैक्ट बन के हमारे पास नहीं आएगा, और अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट आ चुका तो इट मीन वो वीज़ा आपका अप्रूव हो चुका है। बस आपने एक छोटा सा काम ये करना है कि आपने जो पेमेंट है वो आपने ट्रांसफ़र कर देनी है। विद इन 3 to 4 days आपका जो IPA लेटर है वो कॉलेज रिलीज़ कर देगा, हमारे पास आ जाएगा। तो सौरभ जी, आपको कोई तंगी परेशानी तो नहीं बार बार हुई कि आपको मैंने आनंदपुर साहब से इतनी दूर बार बार बुलाया हो कि नहीं आप बार बार आओ यहाँ पे, या वट एवर, किसी भी तरह से कोई ऐसी तंगी परेशानी तो नहीं? सर, मैं सिर्फ 2 बार आया हूँ बस, एक बार स्टार्टिंग में आया था, एक बार अपना वीज़ा लेने आया खुद, क्योंकि मैं घर नहीं है। एक बार डॉक्यूमेंट देने आए थे और एक बार आज इनका वीज़ा अप्रूव हो चुका है, तब आए हैं। जी सर। सो आपको इस वीज़ा कैटेगरी के साथ आपको कोई होटल बुकिंग और एयर टिकट प्रोवाइड की गई है कंपनी की तरफ से? सर, मैंने की गई है प्रोवाइड, 3 नाइट नहीं, 3 day 2 days की, 2 night 3 days की, 2 night 3 days की होटल बुकिंग की गई है। और कैटेगरी कौन सी है होटल की? 4 star है सर। 4 star कैटेगरी है। और इसके अलावा आपको एयर टिकट डायरेक्ट दी गई है या वाया एयरलाइन है कोई? नहीं नहीं, डायरेक्ट दी गई, दिल्ली से डायरेक्ट इनकी एयरलाइन है। और इनके साथ हमारे एक और स्टूडेंट भी जा रहे हैं, मिस्टर मनिंदर, जो कि फिरोजपुर से हैं। उनकी वीडियोज़ भी आपने आई थिंक शायद देखी होगी, इनकी वीडियो से पहले आपने मनिंदर की वीडियो वॉच की होगी। तो बेसिकली ऐसे ही हमारा सर्कल चलता रहता है, और बहुत सारे बच्चे जो हमारी कंपनी पर बिलीव करते हैं, हमारी वीडियोज़ पर बिलीव करते हैं, तो वो अपना केस हमारे पास लगाते हैं। और वीज़ा 100% तो मैं श्योर नहीं किसी का कह सकता हूँ, क्योंकि डिपेंड आपकी प्रोफाइल पे ही करता है, लेकिन ये है कि किस तरीके से प्रोफाइल बनानी है उस तरीके में हम माहिर हैं, ये मैं बोल सकता हूँ कि 70-80% अप्रूवल रेशो हमारा है। और मैंने सौरभ को भी वो चीज़ दिखा दी है किस तरीके से, बाकी कंपनियों से बहुत ज़्यादा जो एक कह सकता हूँ मैं सक्सेस रेशो जो है वो visa9.com का है, यानी कि हमारी कंपनी का है। और आप बिलीव कर सकते हैं हमारी कंपनी पर अगर आप अपना अप्लाई करना चाहते हैं सिंगापुर का स्टडी वीज़ा। आपके पास 2 ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन, आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ मेरे ऑफिस में विजिट कीजिए, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाइए और सारे पैसे अपना वीज़ा अप्रूव होने के बाद दीजिए। सेकंड ऑप्शन, अगर आप दूर से हैं या वट एवर, आप अपने डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करना चाहते हैं तो उसका भी एक तोड़ है हमारे पास। आपने 20,000 पहले डिपॉजिट करना है और बाकी की मनी जो होगी पैकेज की वो आपने अपना वीज़ा आने के बाद देनी है। डॉक्यूमेंट आपके पास रहेंगे, मेरे पास सिर्फ आपने PDF बना के ईमेल के थ्रू आपने सेंड करने हैं। अगर किसी का रिफ्यूज़ हो चुका है पहले ही वीज़ा, मैं ये भी बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को शायद ये डाउट है कि सर आपने पहले बोला पैसे आप नहीं ले रहे हैं लेकिन आप फिर मांग लेते हैं, तो भाई वो उस सीन में है जिसमें आपका पहले वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है किसी भी कारण की वजह से, और अगर आप दोबारा अपनी फाइल लगाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे थ्रू, तो हम अपने सर्विस चार्ज उस कैटेगरी में ज़रूर इन्वॉल्व करते हैं। 20,000 हम चार्ज करते हैं जिनका पहले वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है। तो ये मैं बहुत ही डीपली मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और इसके अलावा सिंगापुर में वर्क के बारे में जो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, तो मैंने, सौरभ ने भी मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था, तो मेरा रिप्लाई आप सौरभ से सुन लीजिए। सौरभ, आपने मेरे से पूछा था कि सर क्या आप वर्क प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर, तो मैंने आपको क्या बोला इसके बारे में? बोला था वर्क प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं गए हो या उनके थ्रू आपको वो हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हमारा कोई रोल नहीं रहता है वर्क में। मैं सौरभ को
ऑन स्क्रीन वीडियो के जरिए भी कह, ऑलरेडी मैंने ऑफ स्क्रीन भी कहा है, ऑन स्क्रीन भी कह देता हूँ, देखो वर्क के लिए मैं नहीं भेज रहा हूँ, मेरा काम है स्टडी वीज़ा पे भेजने का। अगर वर्क के लिए भेजना होता तो मैं वर्क परमिट डील करता, तो ये वर्क परमिट नहीं है, दिस इज़ जेन्युइन होटल मैनेजमेंट का स्टडी वीज़ा, जिसमें आपको 6 मंथ जो है आपको कॉलेज की तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी कॉलेज के अंदर, और उसके बाद आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए कॉलेज कहीं बाहर आपको रेस्टोरेंट बार होटल कहीं भी आपको भेज सकता है सिंगापुर में। उसमें आपकी सैलरी ज़रूर लगेगी, $1,000 से लेके ओवर टाइम डाल के 1200-1500 तक भी लग जाती है। लेकिन OJT के दरमियान आपको वर्क अलाउ होता है, पहले 6 महीने लीगल वर्क अलाउ नहीं है, चाहे आप किसी भी कॉलेज में चले जाइए सिंगापुर में, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, आपको वर्क राइट्स नहीं मिलते हैं। जो बच्चे कहते हैं सर यूनिवर्सिटी में अलाउ है वर्क, तो NUS जो कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है या जेम्स कुक यूनिवर्सिटी है, उसमें वर्क राइट्स 4 घंटे मिलते हैं। उसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि उसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है। आप अगर यही कोर्स यहाँ पर 4-4.5 लाख में कर रहे हैं एडवांस में, वही कोर्स की फीस जेम्स कुक में या NUS में कम से कम 12-15 लाख है एक साल की। तो इतना पैसा अगर आपने पहले ही लगा लिया वहाँ पर, तो आप अर्निंग क्या करेंगे, 4 घंटे काम करके क्या अर्निंग कर लेंगे वहाँ पर। इसलिए जेन्युइनली चले, वहाँ पे जाके माहौल को समझें। हमारी गारंटी सिर्फ स्टडी की है, हमारी गारंटी वर्क की नहीं है किसी भी एंगल से। वो ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन सौरभ को भी पता है, बाकी जितने मेरे स्टूडेंट्स गए हुए हैं सबको मैंने बताया हुआ है कि वर्क का हम कोई गाइड नहीं करते हैं। हाँ, अपनी आप लाइफ के बारे में कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं। आप कुछ भी जानकारी कभी भी चाहते हैं सिंगापुर में, आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हाँ मेरे से जानकारी ले सकते हैं। और वट एवर कोई भी सिंगापुर के बारे में अगर आपको डाउट हो आपके मन में, तो एनी टाइम आप जो है मेरे नंबर पे कॉल करके और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और स्क्रीन के ऊपर आपके नंबर फ्लैश हो रहा है। अगर आपका वीज़ा सिंगापुर का, अगर आपका गैप बहुत ज़्यादा हो चुका है, अप्लाई करना चाहते हैं, बजट कम है, आइल्स नहीं की हुई, तो सिंगापुर आपके लिए बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी लेके आया होटल मैनेजमेंट की। 1 साल की स्टडी है जिसमें 6 मंथ की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है अटैच, और 6 मंथ की आपकी कॉलेज की स्टडी है। टोटल 1 ईयर की ड्यूरेशन है, जो कि आगे जाके आप अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं तो स्टडी वीज़ा पे या वर्क परमिट वहाँ पे जाके अप्लाई करना चाहते हैं तो आसपास पे आप ट्राई कर सकते हैं ईजिली। तो यही पूरा क्राइटेरिया रहता है हमारा स्टडी का। और सौरभ को मैं अगेन इनके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सौरभ। थैंक यू। और बाकी आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे से, तो स्क्रीन के ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।